तुम लोग को नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, वर्गमूल एवं घनमूल। ये चाइल्ड कंपटीशन के लिए स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, थ्योरी को पहले जानना जरूरी है। अगर थ्योरी समझ गया तब तो मैथ बनता है। किसी भी चैप्टर का प्रारंभ में थ्योरी होता है। हर एक चैप्टर को समझने के लिए कुछ ऐसी बातों की जानकारी चाहिए जिसको जानने के बाद ही मतलब उस चैप्टर को बना सकते हो। इसे हम लोग थ्योरी कहते हैं। चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। तो वर्गमूल किसे कहते हैं ये जानकारी जरूरी है। तो तू लोग तो नेचुरल नंबर जान रहे हो, चलो पहले वर्गमूल कहते हैं किसे। इससे पहले चर्चा हो चुकी है गुणनफल किसे कहते हैं, है ना? एक शब्द है गुणनफल। तो फल का अर्थ फ्रूट होता है, यानी फल। गुना करने पर जो हमें फल मिलता है, फल का मतलब कहता है इतना पढ़ा रिजल्ट कुछ मिला। रिजल्ट मतलब फल। कोई हरेक काम का कुछ न कुछ रिजल्ट होता है तो उसी रिजल्ट को कहते हैं फल। तो गुणन फल का अर्थ होता है गुना करने पर दो या दो से अधिक अंकों को या संख्याओं को गुना करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणन फल। अब दो गुने पाँच में ये गुना करने जा रहे हैं तो गुना करने का कुछ न कुछ फल मिलेगा गुना करने पर। तो दो गुने पाँच, दो पंच दस, ये दस क्या है, दो और पाँच को हम लोग गुना किए तो हम लोग को फल के रूप में गुना का फल क्या मिला, तो दस प्राप्त हुआ। दो और पाँच के को गुना करने पर जो फल मिला, रिजल्ट मिला, वही कहलाएगा गुणनफल। तो गुणनफल समझ गया। तो वर्गमूल की परिभाषा होती है अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करे तो हमें एक गुणनफल मिलेगा। मतलब किसी संख्या को, कोई भी संख्या लो, उसी संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल के रूप में कुछ हमें मिलेगा। हाँ, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर हमें जो गुणनफल मिलता है, उस गुणनफल को हम लोग उस संख्या का वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। देखो जैसे पाँच लिए, पाँच एक संख्या है तो पाँच को हम पाँच से ही गुना करेंगे। तो पाँच को पाँच से गुना करेंगे तो गुणनफल के रूप में पचे पच्चीस मिला। तो किसी संख्या को, यहाँ हम एक संख्या लिए पाँच, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, यानी पाँच को पाँच से ही गुना करने पर हमें एक गुणनफल मिलता है। यानी पच्चीस हो गया गुणनफल। किसका गुणनफल है, तो पाँच का गुणनफल है। तो इसी गुणनफल को हम लोग कहेंगे वर्ग, स्क्वायर। इसको कहेंगे ये वर्ग है, स्क्वायर है। वर्ग का इंग्लिश स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर है, तो पाँच का वर्ग है, स्क्वायर है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल मिलता है, उस गुणनफल को दी गई संख्या का वर्ग कहते हैं, एवं दी गई संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। समझ रहा है बात को? वर्गमूल की फिर परिभाषा देखो। समझ गए, तू समझा? इसको वर्गमूल कहेंगे और इस गुणनफल को वर्ग कहेंगे। इस परिभाषा को लिखें, घनमूल। चलो घनमूल। तो पहले वर्गमूल पर ही बात को रहने दो। अब जैसे एक का वर्गमूल कितना होगा, एक का वर्गमूल, इसका मतलब किसी भी संख्या, वर्ग निकालो पहले। वर्ग दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे एक का वर्ग, एक को उसी से यानी एक से गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको एक का वर्ग कहेंगे। तो एक का वर्ग हो गया एक गुने एक बराबर एक स्क्वायर, सीधे रिजल्ट लिखो एक। दो का वर्ग
दो गुने दो बराबर चार। अब इसमें देखो, इसी तरह हम लोग तीन का वर्ग, तीन को तीन से ही गुना कर देंगे, तो तीन तिया नौ। तो किसी संख्या का वर्गमूल यानी तीन का वर्गमूल, उसी संख्या को किसी संख्या का वर्गमूल उसी संख्या को उससे गुना करने पर, दो बार गुना करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा इसको वर्ग कहेंगे। और दी गई संख्या ये तीन जो है इस वर्ग का यानी गुणनफल का वर्गमूल कहलाएगा। परिभाषा पहले हम, हाँ, तीन का वर्ग नौ कहलाएगा वर्ग। और ये वर्ग जो है इसका ये तीन हो गया वर्गमूल। पहले देखो, नौ का वर्गमूल थ्री, थ्री का वर्ग स्क्वायर नाइन। पहले परिभाषा लिख देते हैं तब और सामने में रहेगा ना, तो कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, वर्ग एवं वर्गमूल दोनों का परिभाषा, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे x एक संख्या है मान लेते हैं, तो x को x से ही गुना किए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, मान लो आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर को y मान लो, तो x को x से गुना करेंगे तो इस तरह मान लो हमको रिजल्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में y मिला, तो ये y x का वर्ग कहलाएगा, समझा। और y का वर्गमूल x कहलाएगा। अगर हम लोग x बराबर, अगर x बराबर कोई भी वैल्यू लो, अगर x बराबर चार, तो x गुने x बराबर चार गुने चार बराबर सोलह। तो यहाँ पर गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, सोलह। x का मान चार लिए तो सोलह चार का वर्ग कहलाएगा, चार का वर्ग यानी स्क्वायर कहलाएगा। तथा गुणनफल के रूप में हमें सोलह प्राप्त हुआ है, जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल का वर्गमूल चार कहलाएगा। क्लियर हो गया। तथा चार का वर्ग तथा सोलह का वर्गमूल चार कहलाएगा। अब कहोगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, नेचुरल नंबर का वर्ग, पहले परिभाषा इतनी ही को, इतना को उतार लो। तो अब देखो, नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्याएं जो हैं एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। तो कुछ संख्याओं का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, नेचुरल नंबर का अगर देखोगे तो नेचुरल नंबर का वर्ग, ध्यान देने वाली बात कहाँ है, तो एक का वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, कितना होगा एक गुने एक लिखेंगे ना, यानी एक स्क्वायर यानी एक। फिर दो का वर्ग, दो गुने दो, दी गई संख्याओं का वर्ग उसी संख्या को दो बार गुना कर दो, मतलब उसी संख्या को उससे गुना कर दो, तो ये दो स्क्वायर बराबर चार हुआ। सॉरी, तीन का तीन गुने तीन यानी तीन स्क्वायर नौ होगा ना, आ रहा है। तो इसमें विशेष बात क्या है बतलाते हैं। इसी तरह हम लोग अनंत की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर जो है उसे हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं, शून्य सहित। तो खास करके नेचुरल नंबर का वर्ग यानी वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, कितना है, एक ओर से ध्यान दो तो एक नेचुरल नंबर हम लिखते हैं एक दो तीन, कुछ नंबर लिखते हैं इतना ही में। देखो ये किसका वर्ग है, एक स्वयं का वर्ग है, अपने आप का वर्ग है, स्क्वायर है। दो किसी का वर्ग नहीं है, वर्ग तो है लेकिन नेचुरल नंबर जो कि पूर्ण संख्या है, तो एक अपने आप का स्क्वायर है। इसके बाद आ जाओ एक के आगे दो आता है गिनती में सीरियली, तो दो का हो गया चार, तो ये चार हो गया पूरा पूरी ये वर्ग है ना। चार किसका वर्ग है, तो दो का। फिर आ जाओ नौ, नौ किसका वर्ग है, तीन का है। फिर चार का है सोलह,
ये बीच वाला किसी संख्या का पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, ये 16 है इसके बाद। तो ये जो हम घेरे हैं वृत्त में, ये किस टाइप का स्क्वायर है? ये ऐसी संख्या का स्क्वायर है जो संख्या पूर्ण संख्या है, पूरा पूरी संख्या है न, ये 1.2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1.20 रुपया पूरा रुपया है नहीं है, 1 रुपया के बाद बिल्कुल पूरा पूरी रुपया 2 रुपया है। तो 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में कितने रुपया है तू बोलो तो? 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में कितने रुपये हैं? तो लोग बोल सकते हो कितने? अनंत रुपये हैं। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अनंत संख्या है। 1 के ठीक आगे वाली संख्या के बारे में बोलो तो 1.1 से 1 और 2 के बीच में सभी संख्याओं की गिनती किया जाए तो अरबों वर्ष बीत जाएंगे लेकिन 1 से 2 तक नहीं पहुंच पाओगे। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। अगर ये प्रश्न किया जाए जो 1 के ठीक आगे वाली संख्या के बारे में बोलो, संख्याएं 2 तरह की होती है, पूर्ण संख्या यानी पूरा पूरी संख्या, दूसरा अपूर्ण संख्या जो पूरा पूरी नहीं है। हम लोग कहते हैं 5 रुपया दो, तो कोई 5 रुपया दिया, कोई कहेगा 5 रुपया 25 पैसा दो, यानी 5.25 रुपया दो, 5.525 रुपया है। 5 रुपया और 6 रुपया के बीच में कितने रुपये हैं? अनंत रुपये हैं। इसको कैसे समझोगे? तो 5 से 6 तक जाने के लिए अगर गिनती सभी तरह की 5 और 6 के बीच में जितनी संख्याएं हैं, देखो ये क्वेश्चन है रियल नंबर का, नंबर सिस्टम में बताया। हाँ, तो नहीं, इसमें ये कहना चाहते हैं जो 1 और 2 के बीच में तो अनंत संख्याएं हैं, लेकिन ये गिनती की संख्याएं नेचुरल नंबर पूर्ण अंक है, पूरा पूरी संख्या है। तो नेचुरल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो है इसका वर्ग पूर्ण संख्या का वर्ग पूर्ण संख्या ही होता है। 1 पूरा पूरी संख्या है, 1 आदमी पूरा पूरी आदमी है, 1 रोटी पूरा पूरी रोटी है, 1 रोटी को 3 टुकड़ा कर दो, 1 टुकड़ा ले लो तो 1 रोटी इसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। 1 पूरी रोटी ले लो और अलग से 1 रोटी का 1/4 ले लो तो 1 पूरी रोटी या दूसरी रोटी का 1/4 कभी भी 2 रोटी नहीं कहलाएगा। इसका मतलब 1 रोटी और 2 रोटी के बीच में कई रोटियां हैं, अनंत रोटियां हैं। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं जो कि पूरा पूरी संख्या नहीं है। तो पूरा पूरी संख्या या पूर्ण अंक कौन है? तो 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, 3 के आगे 4, यानी गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, पूर्ण अंक है, यानी पूर्णांक है। समझ रहा है बात को? तो जैसे 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है। 1 पूरा पूरी संख्या है, पूर्णांक है, तो इसको कहेंगे पूर्ण वर्ग है, पूरा पूरी ये वर्ग है। जैसे 2 किसका वर्ग है? तो इसका आंसर क्या है? 2। जैसे 4 किसका वर्ग है? 4 किसका वर्ग है? तो 2 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। फिर 4 और 9 के बीच में या 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में ये जो 2 संख्याएं हैं, ये संख्याएं भी तो वर्ग हैं। ये किसका वर्ग है? तो 2 किसका वर्ग है बोलो तो? 2। जैसे 4 2 का वर्ग हो गया ना। 9 किसका वर्ग है? तो 3 का वर्ग, 3 × 3 यानी 9 है 3 का वर्ग, 9 के आगे सीधे 16 हो गया 4 का वर्ग। तो पूर्ण संख्या का वर्ग पूर्ण संख्या होता है, हम कहना ये चाहते हैं। 2 4 का वर्ग हुआ कि वर्गमूल हुआ? 2 हो गया 4 का वर्गमूल। हाँ, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर इंग्लिश। 4 का वर्ग हुआ 2, वर्गमूल हुआ।
चार का वर्गमूल दो हुआ और दो का वर्ग हो गया चार, नौ का वर्गमूल तीन हुआ, तीन का स्क्वायर हो गया नौ, नौ का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो इसमें ये जो संख्याएं हैं एक चार नौ सोलह पूरी 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 संख्या का वर्ग है ना। अगर पूछा जाए दो किसका वर्ग है तो नहीं कुछ फुराए तो रूट टू का वर्ग कितना होगा बोलो, रूट टू गुने रूट टू। चलो ध्यान दो तो इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग कहते हैं। ध्यान से सुनो, पूर्ण का इंग्लिश होल, वर्ग का इंग्लिश स्क्वायर, होल स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, समझा, कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हिंदी में ये कह सकते हैं ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग यानी पूरा पूरी वर्ग क्या होगा। तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही गुना कर देते हैं तब ना आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह पूर्ण वर्ग किसे कहेंगे, पूर्ण वर्ग उस संख्या को कहते हैं जो पूर्ण संख्या का वर्ग हो। यहाँ पर दो होगा पूरा पूरी वर्ग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दो किसका वर्ग है तो रूट टू का वर्ग कितना होगा बोलो। तो वर्ग की परिभाषा होते है दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को दी गई संख्या का वर्ग कहते हैं। तो रूट टू का वर्ग कितना होगा, रूट टू गुने रूट टू बराबर टू। तो दो तो वर्ग है यानी स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर है, रूट टू का, और रूट टू पूर्ण संख्या नहीं है यानी पूर्ण संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए दो पूर्ण वर्ग पूरा पूरी वर्ग नहीं है यानी होल स्क्वायर पूरा पूरी होल स्क्वायर नहीं है, अपूर्ण वर्ग है, अधूरा है। तीन किसका वर्ग है, तो तीन है रूट थ्री का वर्ग, रूट थ्री का वर्ग कितना होगा, रूट थ्री गुने रूट थ्री बराबर तीन, यानी तीन किसका वर्ग है तो रूट थ्री का। रूट थ्री क्या है, पूरा पूरी संख्या है नहीं है, इसका मान आता है वर्गमूल निकालोगे ना तो 1.732 करके दशमलव आ गया, यानी दशमलव आ गया, इसका अर्थ हुआ इसको तोड़ेंगे तो 1732 दशमलव के लिए एक, एक दो तीन, एक दो तीन, ये पूरा पूरी संख्या है नहीं है, क्यों नहीं है, 1732 रुपया को 1000 आदमी में दो तो कितना रुपया मिलेगा, एक रुपया 73 पैसा हिस्सा आएगा, एक रुपया 73 पैसा पूरा पूरी रुपया नहीं है, पूरा पूरी रुपया या तो एक है, इसके आगे सीधे दो है, दो के आगे सीधे तीन है पूरा पूरी रुपया। अढ़ाई रुपया को पूरा रुपया कहेंगे, अढ़ाई रोटी को पूरा रोटी कहेंगे, दो पूरा है आधा आधा है, समझ रहे बात को। तो जो अच्छे फिर चार का उदाहरण देखो, चार संख्या का वर्ग है इसलिए दू, दू का वर्ग कितना, तो देखो दू का वर्ग चार, तो चार कैसा वर्ग है, ये पूरा पूरी वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि चार पूर्ण संख्या का वर्ग है, समझा। अब बोलो ऋतिक, छ पूरा पूरी वर्ग है, पूर्ण वर्ग है यानी होल स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि छ रूट छ का वर्ग निकालोगे यानी स्क्वायर निकालोगे तो रूट छ गुने रूट छ बराबर छ आएगा, यानी छ कैसा वर्ग है, कैसा स्क्वायर है, तो ये पूर्ण संख्या का नहीं है, ये पूरा पूरी संख्या नहीं है, दो दशमलव कुछ आएगा, जब ये दशमलव में आ गया तो दशमलव वाली कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। हम लोग कहते हैं 5.5 रुपया, तो 5.5 रुपया को कहते हैं 5.5 रुपया, 5.50 रुपया, तो 5.50 रुपया न तो पूरा रुपया है न पूरा पूरी पैसा है ना ऐसी बात। तो छ को हम लोग नहीं कहेंगे पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग उस संख्या को कहेंगे जो संख्या किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो। 81 पूर्ण वर्ग है बोलो, 81 पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि 81 9 का वर्ग है, 9 पूरी पूरा पूरी संख्या है। तो इतनी बात को वर्ग और वर्गमूल तू लोग समझ गया, नेक्स्ट पार्ट में घन एवं घनमूल की परिभाषा बतला देंगे।
ये तुम लोगों को देखो पूर्ण वर्ग की परिभाषा लिख दिए है, किसी भी नेचुरल नंबर का वर्ग पूर्ण वर्ग कहलाता है, कोई भी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर का डिफिनीशन हो गया ये, किसी भी नेचुरल नंबर का वर्ग। नेचुरल नंबर तो समझ गया, तो जैसे ये पूर्ण वर्ग है 1, 4, 9, 16, 25, 36, क्यों? ये एक नेचुरल नंबर एक का होल स्क्वायर है 4, नेचुरल नंबर दो का होल स्क्वायर है 4, फिर इसी तरह 9, 16, 25, ये सब 1, 2, 3, 4 सीरियली सबका ये सब होल स्क्वायर है। तो पूर्ण वर्ग किसको कहेंगे, तो इतना ही दिमाग में रखना है, कोई भी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग कहलाएगा। याद रह जाएगी बात, ठीक है? अब अगले पार्ट में।